सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स की रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल मैच के दौरान एक फ्लड लाइट की शॉर्ट सर्किट के कारण बंद होने से 12 मिनट तक खेल रोकना पड़ा। केकेआर के बल्लेबाज नीतीश राणा ने अपनी आउट होने के लिए मत्ती गुल होने को जिम्मेदार ठहराया। ये घटना 7:18 पर हुई जब सनराइजर्स हैदराबाद के राशिद खान 16वें ओवर की तीसरी गेंद फेंकने की तैयारी कर रहे थे। राणा तब 68 रन बनाकर खेल रहे थे। राणा ने केकेआर की 6 विकेट की जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा हुआ है। अचानक मेरी रणनीति में बात आ गई। जब मैं ड्रेसिंग रूम में आया तो मैंने लय गवा दी। माहौल भी थोड़ा सहज हो गया। उन्होंने कहा, ब्रेक के कारण मैं रक्षात्मक हो गया। अगर ब्रेक नहीं होता तो मैं मैच को खत्म कर सकता था। सुनील गरीन की उंगली में चोट के कारण राणा को किसलीन के साथ पारी का आगाज करने भेजा गया था। उन्होंने केकेआर को मैच में बनाए रखा, लेकिन राशिद ने ब्रेक के बाद अपनी पहली ही गेंद पर उन्हें आउट कर दिया। आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 12 का आगाज जीत के साथ किया है। कोलकाता ने रविवार को ईडन गार्डन में सनराइजर्स हैदराबाद को शिकस्त देते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली है। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2019 से जुड़े हर लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको यहां पर आईपीएल 2019 से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको हमारी ये न्यूज पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी न्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।